हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। हम एंथोसिरस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं और एंथोसिरस जिसे हॉर्नवर्ट कहा जाता है, हॉर्नवर्ट इसके स्पोरोफाइट के इलॉन्गेटेड संरचना से। स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लोइड स्टेज जो इस डिपेंडेंट हैं गैमेटोफाइट पर, इनडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है और ये स्पोर का फॉर्मेशन करती है। और स्पोर स्पोरोफाइट की प्रथम कोशिका होती है और ये एम्ब्रियो बनाती है या और उसके बाद में एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट ये इलोंगेटेड संरचना है जो कि ये करीब 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है और ये लोअर पोर्शन जिसमें यहाँ पर इसका बेस फुट और जिसको फुट सीटा एंड कैप्सूल में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। इनके जो डेवलपमेंट के समय यहाँ पर जब उस पोर अपने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के समय नेक केनाल सेल आर्किगोनिया में ये परिपक्व होने पर और वेंटर केनाल ये डीग्रेड हो जाती है और एक म्यूसिलेस सब्सटेंस बनाती है और ये पानी को अवशोषित करके ये फूल जाता है और जिससे कि नेक केनाल सेल का जो बीच का एरिया है वो थोड़ा सा अपनी दीवार है इनकी नेक केनाल कवर सेल पर प्रेशर डालने से इनका अपर जो पार्ट है वो खुल जाता है और उसमें श्लेष्मा है बाहर आ जाता है और जो एंथ्रोजोइट्स हैं वो मूवमेंट के द्वारा ये इसके श्लेष्मा से चिपक जाते हैं और ये इसके एग के पास में पहुंच के जायगोट का निर्माण करते हैं और ये यहाँ पर ये वृद्धि करके एक ऊस्पोर के में परिवर्तित निषेकतांड के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। जो ऊस्पोर है ये स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है और जिससे कि एम्ब्रियो बनता है, स्पोरोफाइट का जिससे निर्माण होता है और उस स्पोर के अंदर जो प्रथम विभाजन होता है वो वर्टिकल डिवीज़न होता है। फर्स्ट जो डिवीज़न है जनरली वो वर्टिकल डिवीज़न होता है और उसके बाद में इनके अंदर यहाँ पर एक ट्रांसफर डिवीज़न होता है जिससे कि टू वर्टिकल डिवीज़न के बाद में एक ट्रांसफर डिवीज़न में अपर एंड लोअर पे यहाँ पर चार चार कोशिकाएं बन जाती हैं और नीचे उसके बाद में यहाँ पर इनके डिवीज़न फर्दर डिवीज़न से इनमें फुट और कैप्सूल का निर्माण होता है। फुट रीजन की कोशिकाओं में जो पहला डिवीज़न है इसमें उसके अंदर तलों में डिवीज़न से एक राउंडेड गोलाकार एक पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और इसके नीचे की सतह की कोशिकाएं एक पैलिसेड सेल के समान लंबी इलोंगेटेड होकर ये एज ए जो कि उत्तक के गैमेटोफाइट के उत्तक के अंदर चली जाती हैं और ये बनाती हैं फुट का निर्माण या एज ए हॉस्टोरिया के रूप में ये काम करती है। और अपर जो कैप्सूल रीजन है इसमें पहला जो डिवीज़न है वो ट्रांसफर डिवीज़न से और देन पेरिक्लिनर डिवीज़न से एक आउटर पैरिथीशियम और इनर एंडोथीशियम लेयर का निर्माण करती है और एंडोथीशियम की सभी कोशिकाएं कोल्यूमेला बनाती है और इसके कैप्सूल के जो लोअर पार्ट में यंग पार्ट में ये चार लेयर चार पंक्तियों के अंदर ये बना होता है और ये परिपक्व में ये करीब 16 लेयर का होता है।
और जो एंडोथीशियम की कोशिकाओं में एक पेरिक्लिनल डिवीज़न से एक आउटर जैकेट लेयर इनिशियल बनाती हैं और अंदर की ओर एक स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होता है। और ये जो स्पोरोजिनस है ये आर्ची स्पोरियम जिससे कि फर्टाइल सेल्स का निर्माण होता है। जैकेट लेयर की कोशिकाएं पेरिक्लिनल व एंटीक्लिनल डिवीज़न के द्वारा 4 से 6 लेयर कैप्सूल वॉल का निर्माण करती है। जो सबसे बाहर की लेयर है वो एपिडर्मिस है जिसमें लंबी सकड़ी व क्यूटिन युक्त एपिडर्मिस होती हैं। और साथ में ही जो इनर भित्ति के अंदर की जो सेल है वो पैरेन्काइमेटस और जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है और साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और आर्चिस्पोरियल लेयर जो कि एक कॉल्यूमेला जो कि सेंटर के अंदर कॉल्यूमेला एक डॉम के समान बीच में रहता है, इनके बीच की जो सेल है वो स्पोर मदर सेल आर्चिस्पोरियल सेल बनाती है। और ये इनके अंदर जो निर्माण है न्यू सेल का बेस से लेके अपर साइड के अंदर देखा जा सकता है। और जो स्पोर का निर्माण है वो एज ए ट्रिटिड के रूप में यहाँ पर होता है। बीजाणु इनकी जो कोशिकाएं हैं जिसमें स्पोर मदर सेल ये गोल और अंडाकार है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है और क्लियर यहाँ पे न्यूक्लियाई है। और इनके अंदर इलेटर्स और स्पोर मदर सेल, इलेटर्स एज ए एक स्टराइल सेल है, ये छोटी चपटी और न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, ये एकांतर में ये प्रेजेंट है। और ये कॉल्यूमेला और कैप्सूल भित्ति के बीच में ही ये रहती है, प्रेजेंट होती है। और इन कोशिकाओं में बीच का जो स्पेस है वो स्पोर मदर सेल और इलेटर सेल से ये यहाँ पर भरा हुआ रहता है। इलेटर जो सेल है वो उनका निर्माण और स्पोर मदर सेल का निर्माण, ये स्पोर मदर सेल जिससे स्पोर का निर्माण होता है और जिससे इलेटर्स का होता है उसे इलेटर मात्र कोशिकाएं कहा जाता है। और ये इनके अंदर इनके निर्माण के समय यहाँ पर इलेटर के निर्माण इनमें एक ऑब्लिक यहाँ पर डिवीज़न होता है जिससे कि यहाँ पर 2 इलेटर्स यहाँ पर बनते हैं ऑब्लिक एंड तिरिक डिवीज़न के द्वारा यहाँ पर इलेटर का निर्माण होता है। एंड स्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पर डिवीज़न के समय ये मियोसिस होगा और मियोसिस का जो निर्माण है वो इसमें हैप्लोइड स्पोर यहाँ पर बनते हैं एज ए ट्रेटेड के रूप के अंदर। एक मैच्योर जो स्ट्रक्चर है बीजाणु मैच्योर स्पोरोफाइट का जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इसके फुट जो पार्ट है वो और दूसरा मैरिस्मेटिक और तीसरा इसमें कैप्सूल पार्ट। तो फर्स्ट फुट पार्ट है ये गोलाकार और मृदुत्तिकीय कोशिकाओं से बना है और ये एम्बेडेड रहता है थैलस के अंदर और ये मूलाभासी है और खम्भ लाइक इनकी सेल्स जो है खम्भ जैसी इनकी सेल्स होती है। और इनमें सेकेंड जो पार्ट है मैरिस्मेटिक, ये मैरिस्मेटिक पार्ट है और यहाँ पर एक छोटा पार्ट है जिसमें मैरिस्मेटिक सेल है और ये लगातार विभाजन होता रहता है कि कंटिन्यूस इसके स्पोरोफाइट में ग्रोथ होती रहती है। और कैप्सूल जो कि 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये 15 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है जिसमें कॉल्यूमेला और ये कॉल्यूमेला एंड स्पोर बीजाणु सैक या स्पोर सैक और इसके वॉल के रूप में ये डिवाइड है। कॉल्यूमेला
या कैप्सूल के केंद्रीय भाग जिसमें एक ठोस स्तंभ डॉम के रूप में ये बीच में प्रेजेंट है, जिसमें 16 वर्टिकल सेल से ये बना है और ये यांत्रिक स्ट्रेंथ देने के लिए साथ में कंडक्शन और ये स्पोर के डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करता है। और स्पोर्स है जिसके इसके आधार से शीर्ष तक ये कॉलुमेला के और भित्ति के बीच के अंदर स्पोर्स है, ये डॉम से उनको बीच में रहता है और ये 2 से 4 लेयर का होता है। परिपक्व में इसके अंदर स्पोर और इलेटर सेल्स में विभेदित हो जाता है और ये बाद में स्पोर और सूडोलेटर से भर जाता है। इलेटर्स बहुकोशिकीय शाखित अशाखित सूत्रवर्त के होते हैं और बीजाणु गहरे ब्राउन या ये ब्लैक कलर के टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं और साथ में कैप्सूल भित्ति है, ये 4 से 6 लेयर होती है और ये बाहर की इसमें एपिडर्मिस बनती है। स्टोमेटा इस पर प्रेजेंट है जिसमें 2 गार्ड सेट से ये घिरा हुआ रहता है स्टोमेटा। और कैप्सूल की भित्ति में अंतरकोशिकीय यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर पाए जाते हैं और साथ में ही इसके भित्ति के एपिडर्मिस के नीचे क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर पाया जाता है। कैप्सूल का ये जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर इसका जो डीशंस है, कैप्सूल का जो डीशंस है वो बेसिपिटल क्रम के अंदर ये परिपक्व होते हैं, तो इसलिए इनका स्फुटन शीट से आधार की ओर होता है और ये जिससे कि इनमें ग्रूव्स यहाँ खांचे इनके अंदर इसके इसमें बन जाती है लॉन्गिट्यूडनल और ये स्लिट्स के द्वारा यहाँ पर स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। और कैप्सूल की भित्ति के सूखने के जाने के बाद में यहाँ पर जो कपार्ट है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण वो ये ट्विस्टेड होते जाते हैं, बीजाणु इससे झड़ के एयर के द्वारा ये डिस्पर्स हो जाते हैं। यंग बीजाणु जो स्पोर है वो ये गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है और ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। इसके 2 चोल पाए जाते हैं, आउटर एक्सोस्पोर इनर एंडोस्पोर जिसे कहते हैं और इनर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और रिजर्व फूड और एक सिंगल न्यूक्लियाई पाया जाता है। और इसमें कुछ जातियों के अंदर रेस्टिंग स्टेज पाई जाती है और कुछ में ये इमिजिएटली कुछ समय बाद ही इनमें एक ट्राई रेडिएट रिजिस से के थ्रू ये फट जाती है, जिससे कि एंडोस्पोर इनके द्वारा एक नलिका के रूप में बाहर आ जाते हैं और ये अनुप्रस्थ डिवीजन से 2 कोशिकाएं इसके अंदर बनती हैं और उसके बाद में यहाँ पर 2 वर्टिकल डिवीजन से यहाँ पर 4 कोशिकाएं दोनों एक दूसरे से एज ए ऑक्टेंट के रूप में बन जाती हैं। आउटर टर्मिनल सेल एपिकल मेरिस्टेम के रूप में काम करती है, ये विभिन्न उसमें तलों में विभाजित होकर एक थैलस का निर्माण करती है और लोअर जो सेल है ये मूलाभास का निर्माण करती है। और इस तरह से अल्टरेशन जनरेशन जहाँ पर थैलस एक दूसरे को यहाँ पर गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज एक दूसरे को अल्टरनेट करती है। गैमेटोफाइट हैप्लोइड है और इनकी द्विगुणित अवस्था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियाई फ्यूजन के बाद में डिप्लोइड जाइगोट से यहाँ पर उस स्पोर के जर्मिनेशन से यहाँ पे स्पोरोफाइट एक इलोंगेटेड हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिसमें आर्ची स्पोरियल स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। मियोसिस के द्वारा ये एज ए ट्रेटेड स्पोर का निर्माण करते हैं, हैप्लोइड अवस्था में आ जाते हैं और ये जो हैप्लोइड स्पोर हैं ये एक प्रथम कोशिका है इसके गैमेटोफाइट बनाने की और एक डिप्लोइड उस स्पोर प्रथम कोशिका है स्पोरोफाइट के निर्माण के लिए।